दिस इज़ द ब्रेकिंग न्यूज़ इन साउथ एशिया भारत की जो फौज है उसको पे भारत की हुकूमत ने इंटरनेट दे दिया पाकिस्तान की फौज भी है लेकिन पाकिस्तान की फौज के पास वहां पे इंटरनेट नहीं है इमेजिन तो करें कि उन्नीस हजार फुट से ज्यादा जगह के ऊपर जाके इस इंटरनेट को पहुंचाना दैट्स हापिल टास्क अब इसमें जारी बात है कि ये एक आ, आ, इंडिया की फौज को एक एज जाता है जो कि बड़ा जिससे बड़ा दिल को दुख होता है नुकसान होता है और दिल जो है ना वो खून के आंसू होता है कि ये बेसिकली हो क्या रहा है फुट के ऊपर तो आप इमेजिन करें कितना ज्यादा एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है जारी बात है पाकिस्तान के तो दोस्तों आपने ये छोटा सा क्लिप देखा यहाँ आप देख सकते हैं कमर चीमा बात कर रहे हैं भारत की जो भारत की मतलब आर्मी है जो दुनिया के थर्ड पोल भी बोला जाता है सियाचिन वहाँ पर बैठी हुई है ऑब्वियसली वहाँ पर अगर आप जाएं तो एक सैनिक पर जो खर्चा होता है ना पर ईयर का वो लगभग लगभग ऐसा माना जाता है कि चार करोड़ से ज़्यादा का खर्चा होता है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन है माइनस मतलब जीरो से बहुत ज़्यादा नीचे टेम्परेचर रहता है अगर आप ऐसा पानी भी फेंकोगे तो तुरंत वो बर्फ़ बन जाता है तो वहाँ पर इंटरनेट पहुँचा दिया है जो कि काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि आपको भी पता है कि आज के टाइम पे अगर इंटरनेट है मोबाइल है तो वहाँ पर जो इंडियन आर्मी के सोल्जर हैं वो किस तरीके से अपने फैमिली से कनेक्ट हो सकते हैं हमेशा वो सोशल मीडिया पर एक्टिव रह सकते हैं हालांकि इंडियन आर्मी को अलाउ नहीं किया जाता है सोशल मीडिया पर लेकिन दूसरी आइडेंटिटी के साथ शायद वो रह सकते हैं पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं वीडियो के लास्ट में करते हैं इस टॉपिक पर डिटेल बात प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को करेगा भारत की हकुमत ने इंटरनेट इंटरनेट दे दिया। के के पाकिस्तान की पाकिस्तान की की फौज फौज भी है, 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 लेकिन पास पे नहीं जो जो नीचे एरियाज़ में तो है, जो हमने सुना था लेकिन ऊपर सियाचिन में जो है सियाचिन ग्लेशियर जो है, जो है, जो कि ईस्टर्न करम रेंज की जिसमें और ये भी कहा जा रहा है कि और ये एक सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस एक्टिवेट करना इज अ वेरी हेल टास्क और इसके ज़ारी बात है आई थिंक कोई भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क है इंडियन आर्मी ने उसके नेट उसके कोलेबोरेशन के साथ ये किया है Uh, और ये सारे का सारा जो गवर्नमेंट uh, ओन्ड एक ब्रॉडबैंड इंफ्रास्ट्रक्चर, एक बेसिकली uh, जो कंपनी है जो इंडियन गवर्नमेंट को प्रोवाइड करती है और uh, और ये आप इमेजिन करें कि उन्नीस हजार फुट से ज्यादा uh, जगह के ऊपर जाके इस uh, जिसे कह लें कि uh, इस uh, इंटरनेट को पहुंचाना दैट्स टास्क जबकि पाकिस्तान की सिचुएशन ये है कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने अपनी फौज के ऊपर हमला कर दिया इमरान खान साहब जो हैं वो जनरल बाजवा के ऊपर और अपनी फौज के जो लोग हैं उनके ऊपर तो उन्होंने खुद ही जिसे कहते हैं ना सर्जिकल स्ट्राइक कर देना वो समझते हैं कि ये जो फौज है ये मुझे दोबारा पावर में लेके आए फौज मुझे दोबारा ताकत में लेके आए तो मैं तब जाके फौज क्योंकि फौज ने पहले इनकी मदद की इनको पावर में लाने में जिसको हम स्टेब्लिशमेंट कहते हैं Uh, अब ने माजी में जो मदद की है वो कह रहे हैं कि अब मुझे हटा दिया गया तो मुझे दोबारा लाओ अगर मुझे दोबारा नहीं लाओगे तो फिर मैं वो सारी कहानियां बताऊंगा जो तुमने मेरे साथ की जो तुम मुझे पावर में लेके आने के लिए जो तुमने पापड़ बेले और बाकियों को मेरे से नुकसान पहुंचाया बाकियों को तुमने चोट डिक्लेयर कराया और मुझे जो है वो पावर में लेके मैं दुनिया को बताऊंगा मैं पाकिस्तानियों को बताऊंगा अब उधर इंडिया जो है वहां पे देखें कि जो फौज है वहां पे तो हम जब बात करते हैं तो वहां पे हमें ये लगता है कि जी वहां पे जो सेक्रेटरी डिफेंस है वो ही बड़ा पावरफुल है हमारे यहाँ तो जारी बात है आर्मी चीफ ज्यादा पावरफुल है इंडिया का तो डिफेंस मिनिस्टर बड़ा पावरफुल है हमारे यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं डिफेंस मिनिस्टर को तो पता भी नहीं होता उसकी पार्स क्या हैं तो ये बड़ी अनफोर्टुनेट किस्म की सिचुएशन में हम जैसे वो कहते हैं कैच 22 क्या पता नहीं कैच 22 है कि कैच जोड़ा है ना 72 हो के पता नहीं की और इधर फस गए हैं हम तो अब यहां पे देख के बैठते देखते हैं कि यार देखो इमरान खान क्या कर रहा है यहां पे लोगों को, बड़ा दिल को दुख होता है, नुकसान होता है और दिल जो है ना वो खून के आंसू होता है पाकिस्तान और भारत के दरमियान दो का जो एक सीजफायर एग्रीमेंट है वो समझौता जो है वो फरवरी 2021 को रिसेंटली वेरीफाई हुआ था जिसमें दोनों मुल्कों की जो फौजों हैं उन्होंने ये कहा था कि हमने जो कश्मीर को तकसीम करने वाली जो एक बेसिक लाइन है जिसको नॉर्मली हम लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं जिस तरह इंडिया और चाइना के दरमियान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है या फिर पाकिस्तान और भारत के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल है वर्किंग बाउंड्री है या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर है तीन किस्म के जो बॉर्डर हैं वो इंडिया के साथ पाकिस्तान के हैं तो अब इसमें जारी बात है कि ये एक इंडिया की फौज को एक एज आता है कि वहां पे इंटरनेट जो हासिल हुआ और अब जारी बात है ये सेटेलाइट के जरिए इंटरनेट होगा और जिसे वो कह लें कि जो जमीन के जरिए एक इंटरनेट जाता है जो तारों के जरिए बिछाया जाता है ये ज़ारी बात है उससे एक डिफरेंट किस्म का इंटरनेट है अब ज़ारी बात है इस तरह की जो सहूलियात हैं उस मौके पे दी जाती हैं, जहां पे नॉर्मली इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो लैंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है नहीं पहुंच सकता अब अब हमें ये देखना है कि, कि हमारे जो लोग हैं क्या हम लोग इंडियन uh, आर्मी को उससे क्या एडवांटेज होगा वो उसे क्या हासिल करना चाहते हैं वो उससे क्या अचीव करना चाहते हैं उससे इनको क्या मिलेगा उसकी क्या स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव हो सकते हैं ये बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग जो सनारी हैं जिसको मैं जो है वो स्टडी कर रहा हूँ रीड कर रहा हूँ कि भाई जिसे कहते हैं ना लेकिन एक, एक बड़ा इंपॉर्टेंट ये माइल है और भारत जो है उसको जिसे आप कह लें कि अगर ये 18 सितंबर से ये सारी सर्विस जो है वो एक्टिवेट हो रही है हो गई है और उन्नीस हजार फुट के ऊपर तो आप इमेजिन करें इसको अब आप, आप इमेजिन करें कि कितना ज्यादा एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है जारी बात है पाकिस्तान के ऊपर चाइना के ऊपर और पाकिस्तान जो है वो मेरा नहीं ख्याल के इस तरह की कोई सर्विस जो है जो जिसे आप कह लें कि एक uh... तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर बात हो रही है कि कमर ची एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भारत भारत के जो टेक्नीशियन हैं इंजीनियर्स हैं उन्होंने कितना कमाल किया है कि इंटरनेट पहुँचा दिया है मतलब इतनी डिफ़िकल्ट दुर्गम मार्ग में जहाँ पर कोई रोड से मार्ग ही नहीं जाता है वहाँ पर जाने के लिए भी हमें हेलीकॉप्टर्स चाहिए तो वहाँ पर इंटरनेट पहुँचा दिया है सियाचिन की बात कर रहे हैं सियाचिन को लेकर पता है आपको वॉर हो चुकी है भारत पाकिस्तान के बीच और सियाचिन एक ऐसा इलाका है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटिजिक लोकेशन है अगर वो हम छोड़ देंगे तो शायद पाकिस्तान चीन के लिए बहुत आसानी से कनेक्टिविटी के लिए बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारा फ़ायदा हो जाएगा तो सियाचिन में जिस तरीके से हमने इंटरनेट पहुँचाया है वो एक अपने आप में दुनिया में अद्भुत कारनामा है सियाचिन दुनिया का सबसे ऊँचा वॉर मतलब जहां पर दो सेनाओं ने वॉर लड़ी है वो इलाका रह चुका है और आप समझ सकते हो रही एक मैडनेस भी है कि इंडिया पाकिस्तान के लोग नीचे लड़ रहे हैं दुनिया के रिकॉर्ड मतलब ऐसी प्लेसेस में लड़ते हैं जहां पर ऑब्वियसली पाकिस्तान के भी हों भारत के भी हों मतलब ये मैं किसी सेना भारत की सेना को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ मैं बता रहा हूँ कि यार दोनों देश का मैडनेस देखो कि कहाँ कहाँ हम लोग लड़ते हैं और कितना पैसा मतलब हमारा जाता है तो सीन समझ सकते हो आप यार वहाँ पर कितना पैसा लगता है यार कितना पैसा लगता है पाकिस्तान की तरफ से इतना कोई वो लोग को मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बना नहीं पाए उनके सैनिक भी बहुत बुरे हालात में रहते हैं भारत के भी तो भारत के बुरे हालात में नहीं रहते हैं लेकिन भारत के जो हालात वहाँ पर क्रिएट किए गए उसके लिए बहुत ज्यादा खर्चा किया गया है तो आप समझ सकते हो दोस्तों अब पाकिस्तान में जहां पर तालिबान उनके केपी के इलाके के में घुस रहा है यहां पर इंटरनेट भारत सीएचएन पहुंचा रहा है तो पाकिस्तान की हालत क्या है आप समझ सकते हो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को लाइक करिएगा जय हिंद